आप भी अगर फाइवर पर वर्क करते हैं तो इन स्कैम से आपको बचना होगा, नहीं तो आप अपने अकाउंट का सारा बैलेंस इजली उस स्कैमर को दे सकते हो जिसने आपके साथ स्कैम करना। अब मेरे साथ जो स्कैम हुए, किस तरह मुझे ईमेल आया और किस तरह वो ईमेल फाइवर का ऑफिशियल ईमेल बना के मुझे भेजा गया, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। इन दोनों स्कैम्स को आपने ध्यान से देखना है, समझना है और कभी भी इन पर क्लिक नहीं करना और इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। फाइवर ऑटोमेटिक इनको ब्लॉक कर देगा। वो कौन से स्पैम है, लोग किस तरह से आपको पागल बना रहे हैं, किस तरह से आपका अकाउंट एक्सेस करना चाहते हैं, सारी चीजें मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी फाइवर स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ताकि आगे के अपने डॉलर्स गंवाने से अच्छा है पहले आप लोगों को कुछ नॉलेज हासिल हो जाए और आपको पता चल जाए कि यार ये चीजों से आपका अकाउंट जाया हो सकता, आपकी मेहनत जाया हो सकती है। देखें भाई, अकाउंट स्टार्ट कर लेते हैं फाइवर पर, बहुत मेहनत से आपको ऑर्डर मिलता है। आपका पहला ऑर्डर आपने गिग रैंक करनी होती है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारी चीजें, और अब तो फाइवर का न्यू अकाउंट बनाने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, जो सारी चीजें मुझे मिली वो मैं सारा आपके साथ शो करता हूँ। देखिए मैं जो पहला स्कैम है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी आईडी पर एक मैसेज आया जॉन स्मिथ के नाम से। अब इन्होंने मुझे कहा, हाय कैन यू हेल्प मी विद, आई एम जॉन, आई हैव सीन योर प्रोफाइल एंड आई हैव वर्क फॉर यू, इफ यू हैव द स्किल टू टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट प्लीज लेट मी नो, टेक योर टाइम, रिव्यू इट प्रॉपरली एंड देन टेल मी। अब इस मैसेज का क्या मकसद है, जैसे ये मैसेज था नहीं, इस मैसेज के नीचे एक पीडीएफ फाइल थी, जिप फाइल थी, पीडीएफ फाइल थी। अब उस जिप फाइल को मुझे डाउनलोड करना था, मैं समझा ये कोई रियल क्लाइंट है, मैंने सिंपली उस जिप फाइल को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड जब किया तो उसमें एक इमेज थी, इमेज में चार लिंक थे। एक लिंक के पीछे लिखा हुआ था कि ये जो है वो प्रोजेक्ट की डिटेल है। सेकंड लिंक में लिखा हुआ था, लिंक के पीछे जो टेक्स्ट होता है ना उसके पीछे लिखा हुआ था कि भाई ये जो है इसमें आपकी टाइमलाइन है कि ये प्रोजेक्ट आपने कितने टाइम में डिलीवर करना है। और थर्ड पर था कि प्रोजेक्ट का जो है वो सैंपल इस तरह का होगा, इस तरह का प्रोजेक्ट होगा। अब कोई भी बिगनर बंदा होगा जो यार फाइवर पर कामयाब होना चाहता है, फाइवर पर जो है वो रात दिन ऑनलाइन है और कह रहा है किसी तरह क्लाइंट का मैसेज आ जाए और मैं काम करके उसको डिलीवर करूं, वो लोग समझते हैं ये रियल क्लाइंट है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस पर क्लिक कर देते हैं। उसने उस पर क्लिक किया, मैंने भी जिप फाइल पर क्लिक किया। देखिए पहले तो नाम से अंदाजा हो रहा था और पता चल रहा था कि यार ये कोई स्कैमर है, क्योंकि ये जॉन स्मिथ और इस तरह के नेम जो होते हैं वो तकरीबन स्कैमर्स ही यूज करते हैं इस तरह के नेम, लेकिन इसमें कुछ रियल क्लाइंट भी होते हैं। बट ये मैंने लाजमी इस पर क्लिक इसलिए किया जानबूझकर कि मुझे आप लोगों के सामने ये चीज़ रिवील करनी थी, ताकि आप लोग अवेयरनेस हासिल कर सकें। अब इस पर मैंने क्लिक किया तो वो जो लिंक थे उस लिंक को जब अब देखें, असल में फाइवर की तरफ से मैं आपको इनबॉक्स में दिखा देता हूँ, देखें ये वही बंदा है जॉन स्मिथ और यहाँ पर फाइवर ने ऑटोमेटिक इसको जो है वो ब्लॉक कर दिया। ये मैसेज मैंने क्यों किया, उसको अपना रिस्पॉन्स रेट बनाने के लिए। किसी भी क्लाइंट का, किसी भी जगह का आपके पास मैसेज आए, आप फटाफट से उसको रिस्पॉन्स देंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा, रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा तो आपकी गिग रैंक होगी। तो मैंने इस चीज़ का इधर से फायदा उठा लिया, मैंने जैसे इसको एक मैसेज कर दिया। सेकंड, जो इसने फाइल वगैरह भेजी थी, जो भी मैसेज था, वो ऑटोमेटिक फाइवर ने इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया। अब ये फाइवर ने ब्लॉक कर दिया, वो जो लिंक थे उन लिंक को जब मैंने ओपन किया अपने ब्राउजर में तो उसमें क्या ओपन हो रहा था, एड्स हो रहे थे। अब एड्स के उसको क्या हो रहा था, सीपीएम वर्क एड्स से रहा, और इन चीज़ों का तो आपने नाम सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई लिंक ओपन करता है उसमें एड्स होते हैं और जितने एड आप देखेंगे उतनी अर्निंग किसको होगी, जो उस एड अकाउंट के मालिक है, मतलब जो एड अकाउंट जिसका ओनर, जैसे मैंने अपने एक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर और उसका लिंक आपको प्रमोट कर रहा हूँ, तो आप उस पर जितना क्लिक करेंगे उतना रेवेन्यू मेरा जनरेट होगा। तो ये नया भी आया है, फाइवर पर आपको क्लिक लाजमी करना ही होगा। और न्यू बीज जो होते हैं, जो न्यू होते हैं फाइवर पर, वो कहते हैं यार ये एक प्रोजेक्ट है और वो लाजमी से उस पर क्लिक करते हैं, लिंक्स खोल खोल के देखते हैं। अब दिन में अगर देखें, अब हर लिंक पे अगर आपको $0.5 भी मिलते हैं, 0.5 पूरा $1 भी नहीं मिलता, तो भी अगर आपने 50 न्यू सेलर्स को वो लिंक शेयर किया तो उससे क्या हुआ, न्यू सेलर्स ने 50 लोगों ने उस पर क्लिक किया, 50 को आप मल्टीप्लाई करें तो $25 ईजिली उस बंदे के अकाउंट में एक दिन का बन जाओ। $25 अगर वो पाकिस्तान से है तो ईजिली आप देख सकते हैं कि वो 5-6 हज़ार रुपये तकरीबन कमा चुका इस सीपीएम वर्क करके। तो ये एक जो है वो है। अब मजे की बात ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग किस तरह से न्यूबीज फाइंड करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर सर्च किया लोगो डिज़ाइन, मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज आ गई, इनमें से कोई भी बंदा पागल नहीं बनने वाला, सबको एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर आते हैं बेस्ट सेलिंग में, ये देखें बेस्ट सेलिंग न्यूएस्ट अरेवल पर क्लिक किया, जो न्यू है सिंपली वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो न्यू ज्वाइन हुआ है और वो ऑनलाइन भी है या फिर इस तरह से। अब जैसे कि देखें ये एक बंदा है, अब इसका थंबनेल भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, सिंपली वो इसको खोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके कितने रिव्यूज़ हैं। अगर इसका 0 रिव्यू हुआ, मतलब वो इस तरह टारगेट करते हैं, अब देखें इसके पास एक भी रिव्यू नहीं है, सिंपल
इसको वो मैसेज कर देंगे, यहाँ से कॉन्टैक्ट मी पर जाकर सिंपली इसको मैसेज करेंगे और इसका क्या होगा, ये बंदा लाजमी उस पर क्लिक करके देखेगा भाई मुझे ऑर्डर आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, ये है भाई स्कैम। इस तरह से फिर आप जो है वो CPM वर्क करते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि फाइवर आपको भी बैन कर सकता है, वो इसीलिए कि आपने उन लिंक्स को क्यों खोला, फाइवर उसको ब्लॉक कर रहा है, मतलब कभी भी जो है वो इस तरह लिंक्स नहीं आते, और लिंक आते भी हैं तो वो ऑथेंटिक होते हैं। आप लाजमी से चेक कर लिया करें क्लाइंट ऑथेंटिक है, क्लाइंट ने कभी जो है वो ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, यानी वो क्लाइंट कहाँ का है, USA, नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कहाँ का, ये भी चीज़ आप लोगों ने लाजमी से देखनी है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये आप कहाँ से देख सकते हैं, आपके मोबाइल में ही ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, सारा क्लाइंट का डेटा आ जाएगा कि इसने कितने लोगों के साथ काम किया है, इसकी कितनी रेटिंग है, क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आपने लाजमी से देखनी है। सेकेंड जो सबसे बड़ा स्कैम है, मतलब ये तो आपको जो है वो सोते से जगा देगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी एकदम जो है वो उठ के बैठ गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ, वो मैसेज है ये। अब आप देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये है फाइवर, मतलब ऑफिशियल फाइवर का जो है वो ईमेल भी इसी तरह से होता है, यही कलर का बटन होता है, इसी तरह लिंक लगे हुए होते हैं। देखें यहाँ पर लिंक्डइन है ना, मैंने सिंपली इस लिंक्डइन पर क्लिक किया, कौन सी कंपनी ओपन हुई है, fiverr.com, मतलब मैं ये समझा यार ये हकीकत में है, ये प्ले स्टोर है, सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल फाइवर पर आ जाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन किया गया इस ईमेल को कि मतलब लग रहा है ये ओरिजिनल ईमेल है। गो टू योर इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे आप वाकई अपने इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे फाइवर के। अब ये स्कैम क्या था, ये मुझे कह रहा है कि भाई आपकी जो एक प्रोडक्ट है जो हमने जो है वो रिसेंटली सॉल्व की है उसके मोमेंट के आप मुझे मनी ट्रांसफ़र वगैरह ये सारा आ गया। ये लाइन पढ़ने के बाद ही अंदाज़ा हो गया कि भाई ये स्कैम है। सेकंड चीज़ ये क्या लिखा हुआ है एंड में, आफ्टर 6 आवर्स योर अकाउंट विल बी ब्लॉक, सिंसियरली फाइवर सपोर्ट टीम। कितना मतलब चौंका देने वाला मैसेज है कि फाइवर सपोर्ट ने मुझे कहा है कि 6 घंटे के अंदर आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आपको करना ये है कि आप जो है वो $100 जो है वो बोनस हासिल कर सकते हैं। वल्लाह इलम, अब ये इतना बड़ा जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, सामने लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह का कि भाई 6 घंटे में आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अब अगर आप इस अकाउंट, अब ये इस इनबॉक्स को मैं आपको ये देखें इसका नाम आप पढ़ लें, सपोर्ट प्रीफिक्स ये इस तरह को इसका नाम है। सिंपली जब आप गो टू योर इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखें फाइवर सपोर्ट, यहाँ पर भी कंप्लीट वही मैसेज लिखा हुआ था कि यहाँ पर मेरे ये ईमेल में लिखा हुआ था। अब मैं भी परेशान हो गया कि यार ये फाइवर सपोर्ट की तरफ से इनबॉक्स में कैसे मैसेज आ सकता है। मैंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन जो न्यूबीज होते हैं, जो न्यू फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, जो न्यू फाइवर पर आते हैं, जिनको मतलब न्यू सेलिंग करनी होती है, वो क्या करते हैं यार इस तरह का मैसेज देख के वो हो जाते हैं परेशान, और वो सारी डिटेल वो इसको रिप्लाई दे देते हैं, और यहाँ फाइवर पर भी उसको रिप्लाई दे देते हैं, ईमेल में भी दे देते हैं। इसका नुकसान ये होगा कि भाई आपके अकाउंट जो है वो एक्सेस वो ले सकता है, या तो वो एक्सेस ले लेगा या फिर ये $100 आपके अकाउंट से कट हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये स्कैमर्स के माइंड में क्या चल रहा है ये तो स्कैमर ही जाने, लेकिन इस तरह के स्कैम आप मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं यार, मतलब हर जगह जो है ये फाइवर पर मैंने देखा है। डेली बेसिस पर मुझे जो है वो नोटिफिकेशन मिल रहे हैं कि जो आप ये कर लें, किसी स्कैमर का मैसेज आता है हेलो, किसी का ये आता है कि भाई आपका जो है वो अकाउंट 1 घंटे में बैन होने वाला है, जल्दी से एक्शन लें। लेकिन आपने कभी भी ना तो इन लिंक्स पर क्लिक करना है, ना आपने ऐसी चैट को रिस्पॉन्स करना है, ना कुछ करना है, बस आप सिंपल ब्लॉक कर दें। अगर आपको लगता है ये स्कैम है, स्कैम मैंने आपको बता दी है किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ये स्कैम है आप सिंपली उसको ब्लॉक कर दें, ना फाइवर सपोर्ट को जो है आपने बार बार बताना है। देखें अगर आपको डेली बेसिस पर स्कैमर्स के मैसेज आ रहे हैं तो आप रोजाना फाइवर रिपोर्ट से कांटेक्ट करेंगे, वो भी परेशान हो जाएगा, और फाइवर के पास सेलर्स की कमी नहीं है, वो ब्लॉक करते हुए 1 मिनट नहीं लगाता आपका अकाउंट उड़ाने में। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, आप सिंपल इसको खुद ही ब्लॉक कर दें, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ब्लॉक नहीं कर रहे तो आप फाइवर पर छोड़ दें, ऑटोमेटिक वो आपका रिस्पॉन्स रेट भी ठीक कर देगा, जैसे अगर आपने उस बंदे को रिप्लाई नहीं दिया आपका रिस्पॉन्स रेट गिर रहा है, इस चीज़ से भी आपने परेशान नहीं होना, फाइवर खुद आपका रिस्पॉन्स रेट भी ठीक कर देगा और उस बंदे को ब्लॉक कर देगा। ये सारा फाइवर टीम का काम है, फाइवर का एल्गोरिथम माशाल्लाह बहुत अपडेट हो चुका है, ज़्यादा इस पर एक्सपर्ट वर्क कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो भाई आप इन स्कैम्स पे इस तरह से बच सकते हैं, कभी भी क्लिक वगैरह नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये खास तौर पर 6 घंटे में अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा ये हो जाएगा, फाइवर बताता ही नहीं है कि आपका अकाउंट 6 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, डायरेक्ट उड़ा देता है और उसके बाद परेशानी हो जाती है, सामने लिखा हुआ आता है कि आपका अकाउंट जो है वो बैन हो चुका है। तो इस चीज़ से जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, 2 घंटे में बैन हो रहा है, 1 घंटे में बैन हो रहा है, कोई क्लिक नहीं करना, कहीं पर भी कुछ नहीं करना, ना इतना ज़्यादा इसको डिप्रेशन में लेना है, बस सिंपल आप उसको ब्लॉक कर दें और उसको छोड़ दें। तो भाई ये है स्कैम जो है फाइवर के, इस तरह के घूम रहे हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, न्यूबीज़ के साथ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, और बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी कि मेरे साथ ये स्कैम हो चुका है, मैंने क्लिक कर दिया, मैंने रिप्लाई दे दिया, मेरा अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की वीडियो बनाना, आप लोगों को अवेयरनेस देना कि भाई इस तरह से आप बचें, इन स्कैम्स से बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो फाइवर पर वर्क कर रहे हैं। देखें हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ये वीडियो काम आ जाए और कोई इस बड़े स्कैम से बच जाए, अपना अकाउंट गंवाने से बच जाए,
और इस तरह से मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर दी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।